बाबा हाँ जी, त्रेता युग में तो 12 जन्म होता है और करुणा बाबा ने 13 जन्म कैसे लेंगे? त्रेता में और सतयुग में दोनों में मिला करके कितने जन्म होते हैं? है 20 जन्म होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का जन्म कब से शुरू होगा? अरे कब से शुरू होगा? सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, तो 20 जन्म हुए। और ब्रह्मा बाबा ने नई दुनिया में जन्म लेना कब से शुरू किया? सतयुग से या त्रेता से या संगम युग से? हैं? हैं? सतयुग से जन्म लेना शुरू किया। तो उनको 21 जन्म की बादशाही मिली या नहीं मिली? है? तो नहीं लेने देंगे। ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा की सोल जो सृष्टि का पहला पत्ता है, उस पहले पत्ते को 21 जन्म की बादशाही नहीं लेने देंगे, है? लेने देंगे। तो 20 जन्म होते हैं, इसलिए एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाता है, क्योंकि वो सतयुग में जब पैदा होंगे तो बच्चे के रूप में पैदा होंगे या बाप के रूप में? बच्चे के रूप में पैदा होंगे। तो बच्चों के ज्यादा जन्म हुए या उनको, उन बच्चों को जन्म देने वाले के ज्यादा जन्म हुए? जन्म देने वालों के ज्यादा जन्म हुए, क्योंकि जो कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे वो तो संगम युग से अपना एक जन्म, पहला जन्म शुरू करते हैं, तो उनके 21 जन्म हो जाते हैं। तो बाप को रहम आ जाता है क्या? अरे हमारा बच्चा, जिस बच्चे को हमने माथे पर धारण किया है, सर माथे पर चढ़ाया है, वो फिर कम प्राप्ति क्यों करे? इसलिए एक जन्म त्रेता में बढ़ा देते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी बाप, टेम्परेज अपने तो 5 वर्ष से अवस्था होने के बाद प्रवेश करते हैं जी। और मुकरर रथ में पहले ही प्रवेश करते हैं। मुकरर रथ का एडवांस पुरुषार्थ है या बेसिक पुरुषार्थ है? साधारण पुरुषार्थ है या स्पेशल पुरुषार्थ है? स्पेशल पुरुषार्थ है, एडवांस पुरुषार्थ है। तो हद का पुरुषार्थ नहीं है। कैसा पुरुषार्थ है? बेहद का पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर मैं डायरेक्ट आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को पढ़ाता हूं, दादा लेखराज ब्रह्मा, उनमें भी तो शिव की सोल आई ना, तो बाप के रूप में पढ़ाया या अम्मा के रूप में? अम्मा के रूप में पढ़ाया, बाप के रूप में नहीं पढ़ाया। तो जो बाप का रूप है वो ज्यादा शक्तिशाली या माँ का रूप ज्यादा शक्तिशाली? तो इसलिए बताया कि वहां के 60 वर्ष हद की उम्र के और यहाँ के 6 वर्ष, 69 में शरीर छोड़ा तो 70 से गिनो, 70, 71, 72, 73, 74 और 75, कितने साल हुए? 6 साल हो गए। यहाँ के 6 साल बेहद के, एडवांस के, और बेसिक के, जो बच्चों की पढ़ाई है
बच्चों की पढ़ाई है या बालिक की पढ़ाई है? हैं? बच्चों की पढ़ाई थी बेसिक नॉलेज, तो वो बच्चों की पढ़ाई के 60 वर्ष और एडवांस की पढ़ाई के बेहद की पढ़ाई है, इसके 6 वर्ष बराबर हो गए। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे या नौजवान अवस्था कहेंगे? जो अनुभव ब्राह्मणों की दुनिया में 60 साल में नहीं लिया जाता है, वो अनुभव जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो एडवांस में आकर 6 वर्षों में ले लेती हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम बच्चों की। किसका कहा? सामने वाले बच्चों से तुम कहा जाता है, इनकी नहीं। तुम बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, उनकी नहीं, दुनिया वालों की, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। और श्री कृष्ण को हाँ परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड नायक मानते हैं भक्ति मार्ग में। हाँ भूपाल सारी पृथ्वी का पालने वाला सूर्यवंशी था। हाँ वसुधा माने पृथ्वी वसुधा एव, तो हो गया वसुधैव, सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। 500-700 करोड़ पृथ्वी में जितने भी हैं वो सब एक बीज बाप की संतान है। तो कृष्ण का जन्म सत्ययुग में होगा पहले पत्ते के रूप में, या जन्म देने वाला है वो बीज? कृष्ण कब होगा? आप नहीं बोलिए, कृष्ण कब होगा? त्रेता युग में कृष्ण होगा। अरे आप तो शास्त्रों को भी भूल गए, द्वापर के अंत में कृष्ण को दिखाया है। जब द्वापर का अंत हुआ तो महाभारत युद्ध हुआ, और महाभारत युद्ध में कृष्ण को दिखाया है अर्जुन को पढ़ाई पढ़ाते हुए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कृष्ण अगर भगवान था तो द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराएगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करेगा? भगवान पाप का युग बनाएगा या पुण्यात्माओं का युग बनाएगा? आपने बोली, उनको बोलने दो। वो ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है ना, इतना ठीक है। दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा है सत्ययुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 या 12 कला संपूर्ण, और द्वापर 8 कला संपूर्ण, और कलयुग 4 कला से कलाहीन हो जाता है, लिखा है ना? ये बात शास्त्रों में लिखी है, लिखी कि नहीं लिखी है? तो कृष्ण द्वापर में दिखा दिया, वो भी द्वापर के अंत में, तो वहां 16 कला संपूर्ण कहां से आ जाएगा? कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण बताते हैं, लेकिन मुरली में बाबा ने बोला है कृष्ण 16 कला संपूर्ण कौन सी युग में होता है? कौन से युग में?
सतीभूत है। तो बाबा ने सही बताया या शास्त्रों ने सही बताया? हैं? चार ही युग हैं। श्रेष्ठ युग कौन सा है? सत्य का युग कौन सा है? सत्य को श्रेष्ठ कहेंगे या झूठ को श्रेष्ठ कहेंगे? कलह कलेश को श्रेष्ठ कहेंगे, कलयुग को श्रेष्ठ कहेंगे, या जहाँ कलह कलेश होता ही नहीं सत्युग को श्रेष्ठ कहेंगे? हाँ जी, क्या बात हुई? जो सच्ची बात है वो आप बोल नहीं सकते हैं, शास्त्रों की बात आप बोल सकते हैं, वो भी झूठ साबित होती है। देवताओं भी कहते हैं अगर एक बार मनुष्य जन्म मेरा हुआ, हाँ, अगर मिलता तो एक बार अगर मनुष्य जन्म मेरा मिलता तो मैं इंजन कर के लिए अपना परमात्मा सुधार लूंगा। हैं? अच्छा, अपना परमात्मा में सुधार लूंगा। परमार्थ सुधार लूंगा। एक जन्म अगर मनुष्य का मिल जाए तो एक मनुष्य जन्म में मैं परमार्थ सुधार लूंगा। माने जो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की बात मानते हैं शास्त्रकार, कि मनुष्य आत्मा कितने जन्म लेती है, कहाँ भ्रमण करती है, 84 के चक्र में या 84 लाख योनियों के चक्र में? 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है, उनकी ये मान्यता है। अब सोचना ये है, आत्मा एक बीज है या नहीं है, बिंदु है या नहीं है? बिंदु है। जितने भी बीज होते हैं उनका वृक्ष बदल जाता है क्या? बैंगन का बीज आम का बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। जो बीज जिस जाति का होगा उसी जाति में उसको जन्म मिलेगा। तो ऐसे ही आत्मा जो है वो बीज है, और ये हमारी आत्मा जो है वो मनुष्य का बीज है। मनुष्य का बीज सुधर सकता है और बिगड़ सकता है। क्या? बीज जब सुधर जाता है तो देवता बन जाता है, बीज जब बिगड़ जाता है तो मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं। तो हम मनुष्य आत्मा, ये मनुष्यों का झाड़ है जो समझाया गया है। भगवान आके मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाएगा या जानवरों को पढ़ाई पढ़ाएगा? ज्ञान कौन सुनेगा? मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाएगा। तो उन्होंने तो सब लफड़ा दिखाई दिया, 84 लाख योनियां बता करके सब गड़बड़ कर दिया। ये जो जितने भी शास्त्र बनाए हुए हैं वो एक के बनाए हुए हैं या अनेकों के बनाए हुए हैं? हाँ, उनको बोलने दो। जो शास्त्र बनाए गए हैं वो शास्त्र अनेक हैं या एक ही शास्त्र है? शास्त्र एक है या अनेक है? अनेक है। तो अनेकों ने बनाए हैं या एक ने बनाए हैं? अनेकों ने बनाई। तो अनेकों की बुद्धि अनेक प्रकार की होगी या एक प्रकार की होगी? अनेक प्रकार की बुद्धि होगी। और भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक है। तो भगवान आकर के एक ही शास्त्र की रचना करता है, वो है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। और वो मुख से सुनाता है, कागज पे लिखी हुई जो गीता है वो तो मनुष्यों ने बनाई है, जिसे हम शास्त्र कहते हैं। उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो कृष्ण के द्वारा उन्होंने खुद ही गीता में कहा है, मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराकारी लोक का रहने वाला हूँ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामा परम मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ 5 तत्व है ही नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। 5 तत्व इस दुनिया की बात है या वहाँ की बात है, ब्रह्मलोक की? तो यहाँ का भगवान थोड़े ही है। कृष्ण तो जन्म लेता है, कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई है शास्त्रों में। भगवान जन्म मरण से न्यारा है या जन्म मरण में आता है? आता है। गुमुत से पैदा होगा तो फिर वो भगवान नहीं है। जो जिसको भगवान दिखाया गया है वो भगवान तो विकारों से सदैव ही परे, सदैव निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। उस भगवान को 5 तत्वों में लिप्त न कर दें,
राम कृष्ण देवताएं हुए हैं, देवताओं को कलाओं में बांधा जाता है, भगवान तो ज्ञान सूर्य है, क्या उसको कलाओं में नहीं बांधा जाता? राम को 14 कला संपूर्ण कहेंगे, परशुराम को 4 कला संपूर्ण बताया है, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताया है, नारायण को 16 कला संपूर्ण बताया है, ये कलाओं में बांधा गया है। भगवान बंधता है क्या है? उसके गुण सागर हैं या गुणों में बंधा हुआ है? हमारा धर्मशास्त्र जिसे आप कहते हैं वो हिंदुओं का धर्मशास्त्र है या सनातन धर्म शास्त्र है? जो कहते हैं हमारा धर्मशास्त्र, वो ये भी नहीं जानते कि हमारे धर्म की स्थापना किसने की, कब की, और हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, वो भी नहीं जानते, तो उनको ये कहने का हक ही नहीं है। वो जानते ही नहीं, अपने धर्म को नहीं जानते, अपने धर्म पिता को नहीं जानते, तो उनको हक ही नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, भूल गए, इतना पुराना है। सनातन धर्म है तो सनातन धर्म का पिता भी तो कोई होगा। सनातन धर्म का पिता कौन है? अच्छा, बौद्धियों का पिता है बुद्ध, इस्लामियों का पिता है इब्राहिम, मुसलमानों का पिता है मोहम्मद, हाँ सिखों का पिता है ना, सिखों का पिता गुरु नानक है ना, सब धर्मों का पिता है, सब धर्मों का धर्म शास्त्र है, और हिंदू इतने बोगस कि अपने धर्म का नाम ही भूल गए, कह दिया हिंदू। अरे हिंदुस्तान देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? अरब देश के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? चीन जापान के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? यूरोप के नाम पर कहीं धर्म का नाम होता है? भारत के नाम पर कहीं भारत का नाम ना होता है, भारत धर्म? हमारे धर्म का पिता है ब्रह्मा ने जो पहला पुत्र पैदा किया, जो ज्ञान में सर्वोच्च माना जाता है। ब्रह्मा के 4 पुत्र मानस पुत्र पैदा हुए पहले पहले, उनमें सबसे बड़ा ज्ञानी और योगीश्वर माना जाता है सनत कुमार, उसके नाम पर हमारे धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। हमको भगवान सच्चा सच्चा बता रहा है, उसकी बात हम ध्यान नहीं देते, और जो मनुष्यों ने बताया उसको हम ढोल पीट रहे हैं, ये हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र, हमारे शास्त्र कहाँ है? ये तो विकारी मनुष्यों के शास्त्र हैं। मनुष्य विकारी होता है, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होता है। विकारी मनुष्यों ने जो कुछ बनाया वो सब विकार के गर्त में गिराने वाला बनाया। 2500 साल से ये भक्ति मार्ग शास्त्रों का मार्ग चलता चला आ रहा है। गुरुओं ने कितनी शिक्षाएं दी हैं बैठ करके, मनुष्य गुरुओं ने, सृष्टि नीचे गिरी है, मेंटेलिटी नीचे गिरी है या ऊपर उठी है? ये आप नहीं जानते कि आपके अंदर मनुष्य सृष्टि में हजारों वर्षों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है तो मेंटेलिटी नीचे गिर रही है ऊपर उठ रही है? ये बढ़ता जा रहा है ना। मनुष्य जो है मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से नीचे गिर रहा है। मनुष्य मनुष्य में वैमनस्य बढ़ रहा है, घट रहा है। वो तपस्वी ऊपर जाने वाला कोई देखा? तुम जब तुमने देखा ही नहीं तो बोलते क्यों? बस शास्त्रकारों ने कह दिया, गुरुओं ने कह दिया, तत्वचन महाराज, ये कोई बात हुई? कब तक ऐसे करते रहेंगे? इसलिए ये अंधश्रद्धा का मार्ग है, भक्ति है अंधश्रद्धा। भागते रहो भागते रहो, भक्ति माने भागना, इसके पीछे भागना, उसके पीछे। ये गुरु पकड़ा, देखा कि झूठा है, छोड़ दिया। दूसरा गुरु पकड़ा, उसको भी छोड़ा। उस गुरु को पकड़ा, उसको भी पकड़ा। उस गुरु ने कहा
बद्रीनाथ जाओ, वहां गए, उसने कहा वहां से प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा केदारनाथ जाओ, वहां भागे। अच्छा नहीं रामेश्वरनाथ मंदिर जाओ, अच्छा वहां भागे। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, ठिकानों में जाओ, कहां कहां भटकते फिरे। भक्ति माने भागना, बुद्धि एक जगह टिकती नहीं। अभी जब से आपने जन्म लिया, ये ज्ञान लेने से पहले तक आपकी बुद्धि को ठिकाना मिला, भक्ति रही ना बुद्धि, तो वो भक्ति मार्ग अच्छा जिसमें बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता। और अभी आपको ज्ञान मिल गया, बुद्धि को ठिकाना मिल गया, और आपकी बुद्धि समझ रही है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये ज्योति बिंदु और इन सबका बाप ज्योति बिंदु, इतना बढ़िया ठिकाना आपको मिला, और अभी भी आपको प्रश्न पैदा हो रहा है इसमें कि ये भगवान नहीं है। क्यों भाग रहे क्यों भाग रहे हो क्यों भाग रहे हो? हाँ तो गुरु को छोड़ करके, जिन गुरुओं को छोड़ करके आए वो गुमूत से पैदा हुए या निर्विकार से पैदा हुए? इतना गुमूत अच्छा लगता है? अरे ये हमारा भगवान जिसको हम बाप बनाए बैठे हैं वो कौन है? सदैव निर्विकार है, सदैव निराकारी है, निरहंकारी है। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को छोड़ के बुद्धि क्यों भटकती है? वो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, गुमूत से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करता है। ये दिव्य जन्म है। गीता में शब्द भी आया प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। ये दिव्य जन्म है उनका। ऐसा दिव्य जन्म लेने वाले सदगुरु को छोड़ करके हम किन गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं? ये सब झूठे हैं, ये खुद भगवान को नहीं जानते, ढूंढते रहे, नहीं कहीं देखा, नहीं कहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना कहीं से, कह दिया सर्वव्यापी है, मेरे में, तेरे में, कण कण में। कितना बुद्धि को भरमा दिया, भटका दिया है। यदि यदि अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ दो, सर्वव्यापी कहने में आपकी मन बुद्धि को ज्यादा ठिकाना मिलता है, फायदा मिलता है, या एक व्यापी समझने से ज्यादा अच्छा ठिकाना मिलेगा? अच्छा तो एक व्यापी समझने लगता है, मिलता है। ये भी मानते हो अपने कर्मों का पाप, कर्मों का देखा जो कौन करता है? आत्मा पाप करने का देखा जाता है। आत्मा आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा ऐसा रिकॉर्ड है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा संस्कार आत्मा में भर जाएगा। भगवान कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता है, वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान देता है, बस करो न करो ये आपका काम। भगवान तो अकर्ता है, कर्ता धर्ता आप हैं। फिर गीता में लिखा है, जिस गीता में लिखा है वो मनुष्यों की बनाई हुई है या भगवान की बनाई हुई है? भगवान बैठ के लिखता है, धर्म पिताओं ने बैठ करके लिखा, मोहम्मद ने कुरान लिखी, गुरु नानक ने, गुरु ग्रंथ साहब लिखा, लिखा या मुख से बोला? क्या किया है? मुख से बोला। भगवान भी आकर के मुख से बोलता है, लिखता नहीं है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठता? क्योंकि बहुत साल हो गए, जो पुरानी चीज, हाँ जो पुरानी चीज हो गई, जो पुरानी चीज हो गई, उस पुरानी जर्जरित परंपरा को छोड़ दो ना। भगवान आएगा कुछ नया सिखाएगा या पुरानी ही बातें चलाएगा? है नई दुनिया बनाएगा तो नया ज्ञान सुनाएगा ना, नई परंपराएं चलाएगा। महाप्रभु 500 साल पहले अवतार ग्रहण लेके इतना बड़ा तुमको बना दिया। किसको? कृष्ण को, गौरांग महाप्रभु ने बनाया था। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
राम नाम सत्य है, कृष्ण का नाम तो सत्य नहीं है, नहीं है अभी तो। हाँ बोलते हैं, भक्ति मार्ग में भी नहीं बोलते, भक्ति मार्ग में भी मरेंगे ज्ञान में तो दूसरा ही रास्ता एकदम। आपका गीता ज्ञान तो स्वयं पता चल गया, जब मरेंगे तो अंत में यही कहेंगे राम नाम सत्य है। अब ये सारी शक्ति जब मरेगी तो भी कौन सत्य होगा? राम नाम सत्य होगा। ये अंत समय का गायन है, अभी षष्ठी खलास होने वाली है, हर हर बम बम, ये बम छूटने वाले हैं, षष्ठी खलास होने वाली है। इसका निमित्त कौन है? राम वाली आत्मा निमित्त है, वो राम वाली आत्मा ही हर हर बम बम का नारा लगवाती है। आपने पीछे से बोल के इनको बोलती बंद करवा दी, अनु बोलने दो, पूरा समझने दो ना। हाँ बोलो। जाति प्रश्न पूछा, जाति बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाति बोल के भी समाधान हो जाए वो अच्छा, कि अंदर अंदर भर रहे वो अच्छा है। आत्मा को मंथन करना चाहिए ना। हाँ मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। हाँ अगर भक्ति मार्ग में अनजान से जानते नहीं थे तो ये सिविलियन को भी तो स्थापना पहले किया होगा, किया लेकिन स्कूल में स्थापन किया। जो अनजान थे उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि शिवलिंग इतना बड़ा नहीं है, वो तो बिंदु है। यहाँ भी हम पकड़ रहे हैं इसी को। बेसिक में क्या करते हैं? बेसिक में प्रवेश करने वाले निराकार बिंदु को पकड़ा या इतने बड़े ब्रह्मा को पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? ब्रह्मा को पकड़ लिया। अरे ये शरीर भी तो ये स्थूल चीज है ना। अच्छा उसकी बात छोड़ दो। सेवा मुकर्रर रथ शंकर में आता है। शंकर निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है, इंद्रियों को भूल जाता है, माने इंद्रियों को काट दो, नाक कान मुंह हाथ पांव काट दो तो क्या रह गया? क्या रह गया? धड़ रह गया, वो धड़ लिंग जैसा हो गया। तो भी लागत लगाने वालों ने लिंग ही याद कर लिया। अरे लिंग तो फिर भी स्थूल है, भक्ति मार्ग में स्थूल चीज पकड़ते हैं, ज्ञान मार्ग में किसको पकड़ते हैं? बिंदु को पकड़ते हैं। हम आपके शरीर को न देखें, क्या देखें? आपकी आत्मा बिंदु को देखें। ये शरीर विनाशी है, ये लिंग जो प्रजापिता की पहचान है, प्रजापिता का सैम्बुल है, वो विनाशी शरीर है। विनाशी है या अविनाशी है वो प्रजापिता का शरीर? है 5,000 साल शरीर तो नहीं रहता, आत्मा रहेगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, शरीर नहीं रहेगा। तो विनाशी चीज को भक्ति मार्ग में पकड़ लिया, लिंग को पकड़ लिया। ये गलती हुई कि नहीं? ये गलती हो गई। हाँ उसमें थोड़ा सा विचार आया भी, शुरुआत में थोड़ा सा विचार आया तो जिसको विचार आया उसने हीरा रख दिया लिंग में। क्या रख दिया? हीरा रख दिया। हीरे को मुसलमान आकर के तोड़ के ले गया। तो विदेशियों ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, नहीं तो हम तो हीरे को ही याद करने वाले थे द्वापर के याद में। द्वापर में भले द्वैतवादी सृष्टि होती है, अद्वैत देवताओं की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन द्वैतवादी कही इसलिए जाती है कि दूसरे धर्म वाले आकर के हमारी मति को भ्रम कर देते हैं। वो हीरा तोड़ के ले गया, बस हमारी बुद्धि में बैठ गया वो लिंग। नहीं तो शास्त्रों में ये भी जिक्र आया है कि लिंग जो है कितने कितने प्रकार का होता है। स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्रलिंग, लौहलिंग, पत्थरलिंग। हीरे के लिंग को भूल गए, अवेलेबल भी नहीं है।
हीरा किसी के हाथ ही नहीं लगता। जैसे रुद्राक्ष के मणकों के लिए प्रसिद्ध है, अनेक मुख वाले रुद्राक्ष बहुत मिल जाएंगे और एक मुख वाला मिलेगा ही नहीं। अगर मिलेगा भी तो वो भी डुप्लीकेट। साधु संत महात्माएं एक मुख वाला रुद्राक्ष लिए लिए फिरते रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं अपने चेलों को, देखो हमारे पास है, लेकिन वास्तव में वो भी डुप्लीकेट होता है, असली नहीं होता। बाबा जब ज्योति बिंदु प्रवीण होता है ना मुकर रात में, तब देखने वाला को और प्रवेश होने वाला को पता चलता है। मुरली में बाबा ने इसका जवाब दे दिया है, मैं जब आता हूँ तो किसी को पता चलता है, मैं जब जाता हूँ तो किसी को पता चलता है, न मेरे आने का पता चलता न मेरे जाने का पता चलता। फिर बोला इस ब्रह्मा को पता चलता है, नहीं इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब प्रवेश करता हूँ कब चला जाता हूँ। तो जैसे एक ब्रह्मा में आने का जाने का पता नहीं चलता, वैसे ब्रह्मा तो कई हैं, पांच हैं, ब्रह्मा पंचानन कहा जाता है। तो जिसमें भी आता है जिसमें भी जाता है आने जाने का उसको पता चलता ही नहीं। शिव कब आता है कब जाता है वो पता ही नहीं चलता किसी को। और शिव समान जो स्टेज धारण करता है कौन, शंकर, उसका भी प्रैक्टिकल जीवन में भी यही हाल होता है, वो कब आता है और कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि शंकर भी शिव समान बन जाता है। वो प्रैक्टिकल है क्योंकि प्रैक्टिकल में शरीर है, वो निराकार ज्योति बिंदु को अपना प्रैक्टिकल शरीर नहीं है, उसको अपना शरीर है नहीं, तो उसका पता नहीं चला। हम देखते हैं प्रवेश होता है ना, वो रात वाला को पता चलता है। बाबा ने तो बोल दिया इस ब्रह्मा को पता चलता है, नहीं इनको भी पता नहीं चलता, तो मुरली की बात नहीं मानेंगे फिर। हाँ गुलजार दादी में आते हैं, पता चलता कि नहीं, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, लाल लाल चेहरा हो जाता है, पता चल जाता कि नहीं। भूत प्रेत किसी में भी प्रवेश करता है तो पता चल जाता कि नहीं, आंखों से ही पता चल जाता है कि हाँ कोई आत्मा ने प्रवेश किया। शिव का तो दिव्य जन्म है, क्यों दिव्य जन्म है, क्योंकि शिव का कोई कर्मों का बोझ नहीं है, शिव ऐसे कोई कर्म ही नहीं करता जो उसको सूक्ष्म शरीर में बंधना पड़े। हम आत्माएं ऐसे ऐसे कर्म करती हैं, दुष्ट कर्म, कि हमको सूक्ष्म शरीर में बंधना पड़ सकता है, वो सूक्ष्म शरीर में ताकत ज्यादा होती है, ज्यादा ताकत सूक्ष्म में होती है, स्थूल में सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, अणु है, अणु बम, एटम, एटम बम, कितनी ताकत है, सारी दुनिया को भस्म कर देगा। तो ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली को ताकत है, वो प्रवेश करती है तो गुलजार दादी अपने को ही भूल जाती है, उनको अपने स्वरूप की याद नहीं रहती, इतना दबाव पड़ता है, बोझ पड़ता है, उनका चेहरा मोरा सारा बदल जाता है, पता लग जाता है कि सोल ने प्रवेश किया। शिव तो हल्का फुल्का है, हम हल्के फुल्के नहीं रह पाते, थोड़ी देर याद करेंगे आत्मिक स्थिति में रहेंगे थोड़ा हल्कापन आएगा, फिर भूल जाते हैं, फिर देवान आ जाता है, कर्मों का बोझ हमको दबाए लेता है, हम भारी हो जाते हैं। तो शिव की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में तो जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए बोला कि मैं प्रवेश करता हूं तो कोई को पता नहीं, जिसमें प्रवेश करता हूं उसको ही पता नहीं चलता कब आया कब चला गया, बाद में मालूम पड़ता है।
हम बच्चों में से भी बहुतों ने यह अनुभव किया होगा कि हम किसी को समझाने जाते हैं तो समझते हैं कि हम तो बाद में पता चलता है, अरे हम तो ये पॉइंट जानते ही नहीं थे, ये पॉइंट हमने कैसे बोल दिया, ये तो नई बात आ गई। तो कौन ने प्रवेश कर लिया? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा कराते हैं। शिव बाप प्रवेश करके बच्चों को ज्ञान की और दृष्टि की पावर देता है। हम बच्चे तो तमो प्रधान है, हम तमो प्रधान आत्मा है, सतो प्रधान है, है? तमो प्रधान है। हाँ, देह की लौ लगी रहती है, विकारों की बू भरी हुई है, घड़ी घड़ी हमको पकड़ लेती है। तो हम सेवा करने लायक हैं? कौन सेवा करता है? हैं? बाप दादा सेवा करते हैं। हम हिम्मत कर सकते हैं, हिम्मत है बच्चे, तो बाप आकर के हमारी हमको मदद करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए और हमें मौका मिल जाए कि हम उसकी सेवा करें जाके ज्ञान की, तो दिल में हड़बड़ाहट मच जाएगी कि नहीं मचेगी या नहीं मचेगी? दुनिया के इतने बड़े मुसलमान देशों को तहस नहस कर दिया अमेरिका वालों ने, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति, वो हमें मौका मिल गया 10 मिनट का उससे बात करने का, तो हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है हमारी तमो प्रधानता की। फिर भी अगर हिम्मत करते हैं तो बाप मदद करके प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता है और ज्ञान की भी पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है, और उस आत्मा को निकालना होगा तो निकाल लेगा। बोला भी है अंत में बड़े बड़े धर्म पिताएं निकलेंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं भी निकलेंगी, और जब निकलेंगी तो आकर के माथा नवाएंगी, झुकेंगी बाप के सामने आकर के, प्रैक्टिकल में झुकेंगी। और बाबा जैसा माँ का पाठ चल रहा था, अभी बाप का टीचर का पाठ चल रहा है, तो बाप टीचर पूरा भारतवर्ष नेपाल और विदेश में भी सब जगह गीता पाठशाला में जाके ज्ञान सुना रहे हैं। जब माँ का पाठ चल रहा था तब ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे वो क्या वही माउंट आबू में पानी चलाते थे ना, ऐसे ही माँ फिर सब गाँव गाँव में घूमते थे। माँ घर संभालेगी या बाहर संभालेगी? घर संभालेगी। तो ब्रह्मा बाबा घर का मालिक है, ज्यादा से ज्यादा भारत में पूना में कहीं वाणी चला दी, कानपुर में वाणी चला दी, जालंधर में जाके वाणी चला दी, शुरू शुरुआत के जो सेंटर हैं, रहेगा भारत में। क्या भारत माता है ना, भारत में ही रहेगी। बाप का पाठ विश्व पिता है तो सारे विश्व को बाहर संभालेगा। और ये जो नहीं जानते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, जो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। उदाहरण का 16 कला और कलाहीन, ये चंद्रमा की कलाएं दिखाई जाती हैं। तो चंद्रमा को जब 16 कला संपूर्ण बोलते हैं और प्रतिपदा के दिन कलाहीन बोलते हैं, द्विज के दिन थोड़ी सी उसमें लीक आती है रोशनी की, तो क्या क्यों ये अलग अलग कलाएं होती हैं या रोशनी का मेजरमेंट है? रोशनी का मेजरमेंट है, 1 कला 2 कला 16 कला। जो नहीं इस बात को जानते हैं, उदाहरण को कैसे ग्रास्प किया जाता है, कैसे उसका अर्थ किया जाता है, वो फिर उन्होंने बेसिक वालों ने, बच्चे हैं ना, बच्चा बुद्धि, तो उन्होंने नाचने की कला, संगीत गाने की कला, ये कला वो कला, ऐसे 16 कलाएं गिना दी। अब ऐसे नहीं है, ये तो आत्मा की मेजरमेंट है, शक्ति का, रोशनी का, जिसमें जितनी ज्ञान की ज्यादा रोशनी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा प्योरिटी आवेगी,
और जिसमें जितनी ज्यादा प्योरिटी आवेगी उसकी उतनी ही बड़ी कलाएं कही जाएंगी। उनकी सीमा है 16 कला संपूर्ण ज्यादा से ज्यादा। मृत्यु क्यों होता है? मृत्यु हम लोगों की होती है, मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? आप हम लोगों जब कहते हैं तो देवान में आ गए। शरीर की मृत्यु? हाँ, आप जब बोलते हैं ना उसी समय पकड़ में आ जाता है। हम बोले कि आप मृत्यु क्यों होती है? अभी तो आप सही बोले हैं, आप आत्मा हैं, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा जो वस्त्र धारण करती है, चोला धारण करती है, वो नष्ट होता है। पावर कहाँ से मिलता है? हैं? बाबा पावर कहाँ से मिलता है आत्मा को? तो संगम युग में आप पावर नहीं ले रहे हैं। आपकी आत्मा रूपी बैटरी, आपकी आत्मा रूपी बैटरी संगम युग में परमात्मा से पावर नहीं लेती है। अगर परमात्मा से पावर देते हैं तो परमात्मा सबको पावर देते हैं तो व्यापक होता है कि नहीं? एक के द्वारा पावर देते हैं या सबके द्वारा सबको पावर देते हैं? जैसे सूर्य सब जगह प्रकाश एक है या सब सूर्य है? जो प्रकाश देने वाला सूर्य है वो एक है या सारे ही सूर्य है? तो ऐसे ही परमात्मा एक है, एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने सत्यानाश कर दिया। कुत्ते बिल्ले में भी ठोंक दिया होता तो भी ठीक, वो भी तो आत्मा है। कण कण में डाल दिया, मिट्टी में मिला दिया भगवान को, तो भी भगवान आकर के कल्याण करता है। और बाबा वो वर्मा बाबा का हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। हाँ हाँ, वर्मा बाबा के हाथ में शास्त्र इसलिए दिखाते हैं कि यादगार बनी रहे भक्ति मार्ग में। कि रावण के हाथों में भी शास्त्र दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं है? तो रावण दुनिया का सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु है या नहीं, बोलो है? सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु है, इसलिए रावण की दुनिया में कोई पूजा नहीं करता, रावण का मंदिर कोई नहीं बनाता, रावण की मूर्ति बनाता नहीं है कोई मंदिर के, बना करके पूजा नहीं करता है, रावण की कोई पूजा नहीं करता, रावण को कोई पसंद नहीं करता। ऐसे ही ब्रह्मा की पूजा होती है हिंदुस्तान में? ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है रावण वो ब्रह्मा, ऋग्वेद की ऋचा है। आदि में हम ये बात जानते थे, आदि से ही ये परंपरा शुरू हो गई भक्ति मार्ग में कि ब्रह्मा के चित्र नहीं बनाना। अभी मुरलियों में भी बाबा बोलता है ब्रह्मा का फोटो नहीं, लेकिन जो रावण के भगत हैं, रावण संप्रदाय हैं, वो रावण को मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? मानेंगे। कितना भी मना करो, कितना माथा मार मार के कितनी मुरलियों में बोला ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित हो पड़ेंगे, यहां तक बोल दिया, पद भ्रष्ट हो जाएगा। आंखें बड़ी बड़ी करके क्यों देख रहे हो? मुरली का पॉइंट बोल रहा हूं। ये मुरली का पॉइंट है, माउंट आबू की छपी हुई मुरली का, कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है। समझाने के लिए त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का चित्र दिया हुआ है, अलग से ब्रह्मा का फोटो रखने की कोई दरकार नहीं। वो शास्त्र में ये लिखा है, है? वो जो पकड़ा है ना ब्रह्मा ने, ब्रह्मा क्या ब्रह्मा ने है? वो शास्त्र में ये लिखा है, ये बात लिखा है क्या शास्त्र में? नहीं, मुरली में पकड़ा है, जो माउंट आबू से मुरली छपी है उसमें ये बात लिखी हुई है। तो भी जिनको ब्रह्मा की देह से प्यार हो गया वो तो ब्रह्मा का फोटो रखेंगे ही। अब कोई समझाने जाए तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार?
देख भी रहे हैं कि हाँ दुर्गति हो रही है, जवाब भी नहीं आ रहा है बातों का। इतने अंदर से शर्मसार हैं कि ज्ञान की बातें किसी से करने में शर्माते हैं, आंख नहीं मिला सकते, मुंह चुरा के भाग जाएंगे। इतना अहंकार अंदर से भरा हुआ है किसकी औलाद? राम की औलाद है, रावण की औलाद है। और बाबा, हाँ, जो ज्ञान ये जो अभी ये जो ज्ञान में हम लोग चल रहे हैं, ज्ञान सुन के जिसने पढ़ाया वो सुन के भट्टी करके आए, जितना भी अभी सब ज्ञान सुन रहे हैं, ये सब क्या बाबा सूर्यवंशी है? इसमें हर प्रकार के बीज हैं। सन्मुख बैठे होने का मतलब ये नहीं है कि सन्मुख हैं, अंदर से विपरीत संकल्प चल रहे हैं तो सन्मुख है या विमुख है? क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ सब कुछ सुनाई दे, ऐसे बोलो। हम जोर से बोलते हैं। हाँ जोर से बोलो, धड़ाके से बोलो। सच्ची बात, सत्य की स्थापन करना है तो अंदर ही अंदर क्यों रहे, सबको पता चले। अंदर से अर्ग अगर विमुख हैं तो विमुख हैं, और बाहर से सत्यवचन महाराज ठीक कहा आपने, बढ़िया बात कही, और अंदर से खोट भरी हुई है, तो उनको सन्मुख नहीं कहेंगे, वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। बाप के बच्चे नहीं हैं, जो बाप के बच्चे होंगे उनमें बाप का खून होगा या दूसरे धर्म पिता का खून होगा? खून माने संकल्पों का खून। कौन सा खून? संकल्प। बाप समान संकल्प है तो मनमना भव है, मेरे मन में समा जा। मन में संकल्प चलते हैं, जो मेरे अंदर संकल्प चल रहे हैं वो ही तेरे अंदर संकल्प हो। अगर विपरीत संकल्प चलता है उसको रोकना चाहते हैं तो भी नहीं रुकता है, तो जरूर रावण का प्रभाव है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो एक माँ का असली माँ का बच्चा होता है, एक बच्चा होता है असली माँ का नहीं होता है, कहीं रंडिया से पैदा हो गया। बाप तो वही है लेकिन पैदा किससे हुआ? रंडिया से पैदा हुआ। उस बच्चे से पूछा जाता है तुम्हारा बाप कौन? तो ऐसे यहाँ भी है, उस संकल्पों का खून दूसरे का भरा हुआ है, वो बाप का वारसदार बनने काबिल नहीं है बच्चा। बाप एक तरफ जाएगा, बच्चा दूसरी तरफ जाएगा। और आज घर घर में ऐसी औलादें पैदा हो रही है। हाँ आपने बोला कि समाधान के लिए कहाँ कह रहे हैं कि आप अपने अंदर आठ रखो? हाँ भाई, हिंदू जो एक हिंदू ब्राह्मण के कुल में पहले बार ब्राह्मण के संतान हूँ, और मैंने बचपन से वैष्णव धर्म स्वीकार किया। बच्चों धर्म स्वीकार किया था, स्वीकार किया हूँ। और धर्म परिवार परिवर्तन करना, गुरुओं का अपमान करना, शासन का विपरीत करना, ऐसे स्थिति में मैं क्या करूँ? क्या क्या धर्म परिवर्तन करना? धर्म परिवर्तन करना, हाँ, और गुरुओं का अवहेलना करना। गुरुओं की अवहेलना करना, अवहेलना करना, शास्त्रों का विपरीत कर्म, विपरीत कर्म करना। शास्त्र का अर्थ जानते हैं आप?
शास्त्र का अर्थ क्या है, शब्दों के अर्थ मालूम है, शास्त्र माने क्या होता है, शास्त्र माने शासन करना, शास्त्र माने शासन करना। इस दुनिया का बड़े से बड़ा शासक कौन है, किसको मानते हैं आप शासक? राजा हैं, देहधारी राजा हैं, दुनिया के सबसे बड़े शासक हैं। कौन है शासक? परमात्मा। अब परमात्मा आपको गुरु नहीं सदगुरु के रूप में मिल जाए तब आप क्या करेंगे, गुरुओं को मानेंगे? सदगुरु के रूप में परमात्मा अगर मिल जाए तो गुरुओं को छोड़ेंगे और गुरु आपको उल्टे रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरु कहेंगे यहाँ नहीं, ये भगवान नहीं है, ये सदगुरु नहीं है, हमारे पांव पूजो, हमारे पांव धो पियो। अगर आपको सदगुरु मिल जाए तो आप गुरुओं की मत पे चलेंगे, गुरुओं की बात मानेंगे या भगवान की अवहेलना करेंगे या गुरुओं की अवहेलना करेंगे? गुरु गुरु क्या खड़े? अरे वो तो यहाँ पता बताया जा रहा है, सदगुरु आता है तो किसी के द्वारा आपको संदेश देगा कि नहीं देगा? देगा। आपको किसी के द्वारा संदेश मिला कि नहीं? किसके द्वारा मिला आपको संदेश? किसने दिया सदगुरु का? अरे खुल के बोलो, धड़ाके से बोलो, डरते क्यों? अपना आप यहाँ पर आए हैं। आपको संदेश किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा मिला? बताऊंगे हैं, नवीन भाई के द्वारा मिला। अब नवीन भाई की आप अवहेलना करेंगे या उनकी कदर करेंगे? अच्छा इनकी सही, नवीन चलो पंगा ले लो, ओ कुश्ती लड़ते हैं ना तो पैंतरा बदल देते हैं, पैंतरा बदल की बात पर इन्होंने दिया आपको संदेश, तो इनकी आप अवहेलना करेंगे या इनकी कदर करेंगे? कदर करेंगे। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू किसको सर झुकाएंगे? पहले किसको सर झुकाएंगे? इसने संदेश दिया ना, ये आपका बाप हुआ ना, आपको जन्म देने वाला यही हुआ ना, बीज बोने वाला कौन हुआ? आपके अंदर ज्ञान बीज बोने वाला ये हुआ ना, तो इसकी कदर नहीं करना है? गुरु ने उल्टा उठा लिया ना, तो वो गुरु सदगुरु को जानते हैं ना मानते हैं, जब जानते ही नहीं तो मानेंगे कहाँ से? उन्होंने साहब की बुद्धि को भरमा दिया, गुरु गोविंद जरूर करे काके लागू पाए, जिनको गुरु बना लिया उनके पांच लागू। अरे वहां की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में सब उल्टा पलटा कर दिया। तो शास्त्र, शास्त्र जो है वो शास शब्द से बनता है, शासन करने वाला है, शास्त्र माने विधान, अपने देश का संविधान है ना, उस विधान के ऊपर सबको चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है ना, तो हमारे भारत देश का संविधान है, ऊंचे से ऊंचा शास्त्र है गीता, और गीता मनुष्यों की गाई हुई गीता नहीं, वो लिखी हुई गीता कागज के पत्तों वाली नहीं, भगवान ने डायरेक्ट मुख से जो बोली, सदमुख, सत्तमुख, सदगुरु कहते हैं उसको। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु साकार ही होता है। तो जिस सदगुरु के द्वारा भगवान ने वो गीता बोली है, जिसे गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, उस गुरु की बात है, उस शास्त्र की बात है, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जिस सदगुरु के मुख से बोली गई है वो गीता माता है और वो गीता पति है। इस समय गीता पति भी मौजूद है और गीता माता भी मौजूद है। गीता पति भगवान उस गीता माता की महिमा कर रहा है, जिस गीता माता के हम सब बच्चे हैं, यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं
सभी मिनमधनों में जितने भी बैठे हुए हैं, सभी गीता पाठशालाओं में ऑल इंडिया में जितने भी बैठे हुए हैं, विदेशों में जितने भी बैठे हुए हैं, वो कौन सी माता की संतान है? कौन सी माता ने पहले कदम बढ़ाया और बाप की बनी? चैतन्य है या कोई जड़ है, कागज के पत्ते की है? कौन है? कोई चैतन्य है, कोई चैतन्य है ना, उसने कदम बढ़ाया, बाप की बनी, बाप ने उसको अपनी रचना बनाया, तब हम इतने सब बैठे हुए। तो गीता की महिमा सबसे भारी है, भगवान ने उसकी महिमा की है, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसको फॉलो करके फिर दूसरे दूसरे धर्म पिताएं निकलेंगे, वो अपनी अपनी बात उसमें मिक्स करेंगे, वो भी यहां बैठे हुए हैं। वो गीता माता को नहीं मानेंगे, गीता पति भगवान को भी नहीं मानेंगे, वो फिर मोहम्मद को मान लेंगे अपना बाप, कुरान को अपना बाप मान लेंगे, नाम रख दिया कुरान, कु माने गंदी खराब, राण माने राण देवा। कुरान कैसी होती है? एक बार शादी कर ली, पति मर गया, दूसरी शादी कर ली, उसको अच्छी राण कहा जाता है, अच्छी विधवा कहा जाता है, अच्छी विडो कहा जाता है, या खराब कहा जाता है? तो ऐसे को फॉलो कर लिया, वो तो पालना भी ऐसी ही देगी फिर। तो वो सब भक्ति मार्ग में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जो शास्त्र बना बना के रखे हुए हैं, वो स्थूल शास्त्र हैं। भगवान ने आकर के जो बनाया वो सब चैतन्य की रचना की है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ शास्त्र भगवान का गाया हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता सब शास्त्रों का माई बाप है। वो दूसरे दूसरे धर्म शास्त्र भी यहीं से निकलेंगे क्या, इसलिए नौ देवियां गाई हुई हैं, वो सब शास्त्र हैं, सब शासन करने वाली हैं अपने अपने घरों में। इस्लामी घर, इस्लामियों का परिवार, उनके घर को पालने करने वाली कोई अम्मा होगी बड़ी सी बड़ी कि नहीं? क्रिश्चियंस में भी कोई बड़ी से बड़ी अम्मा होगी ना, उसका नाम भक्ति मार्ग में रखे बाई बल। किसका बल? बाई जी का बल, बाबा का बल नहीं, बाई जी का बल। अरे पैठ ही काय के लिए हो। मूर्ति का चित्र में बाबा लेहरा जी का चित्र दिया हुआ है, उसमें के दाढ़ी वाला मुछे वाला जो सिटी करता ब्रह्मा जी जो माया जाता था, उसका चित्र नहीं, क्यों नहीं? इसका चित्र नहीं रखा गया? दाढ़ी वाला मुछा वाला जो पहले का सिटी करता ब्रह्मा जी जो माया जाता था, शास्त्र में लिखा हुआ जो ब्रह्मा जी, उसका चित्र न रखकर बाबा लेहरा जी का चित्र रखा गया। इसलिए रखा गया कि अगर वो दाढ़ी वाला ब्रह्मा रख दे जो तुम टीवी में देखते भी हो, उसको यहाँ मूछे नहीं होती है, इतनी दाढ़ी होती है, मूछे खत्म है कि नहीं? ऐसा ही ब्रह्मा है ना? अरे बोल गए, हाँ ये मूछे नहीं है और ये दाढ़ी सारी है, देखना ध्यान से। वो जो 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 वो शेविंग नहीं कर पाई तो थोड़ा सा रह गया। तो आजकल मुसलमानों के जो गुरु होते हैं हाजी जी लोग, वो भी ऐसी दाढ़ी रखते हुए देखते हैं, आप देखें ध्यान से, उनको यहाँ की मूछे सफा चट होती है ना। ये मुसलमानों के गुरु होते हैं। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का असली चित्र रख दिया, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखाते थे, इसलिए नहीं रखाते थे कि वो आखिरी जन्म में आकर के असली देवी देवता सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के फॉलोअर थे, नहीं तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को असुरों को ही वरदान देते हुए दिखाया, इस्लामियों को क्रिश्चियंस को, ये बड़े बड़े असुर हैं, इन असुरों ने हिंदुस्तान में आकर के बहु बेटियों की दुर्गति की है,
भूल गए, हिस्ट्री भूल गए? ये बड़े खूंखार होते हैं जानवरों की तरह, राक्षस हैं, इनको दया बिल्कुल नहीं है। तो उन राक्षसों को वरदान देने वाला कौन, कौन सा देवता? ब्रह्मा। इसलिए उस ब्रह्मा देवता की भक्ति मार्ग वाले की याद ना आए आपको, इसलिए ये ब्रह्मा रख दिया। कुछ गलत नहीं किया आपको इसमें? गलत लगता है? गलत नहीं। जब उसे बाबा लिखराज जी का चित्र रखा गया हाँ? ब्रह्मा जी में, तब जैसे शंकर जी में भी जो होने वाला है अब, शंकर जी का भी चित्र वो कहाँ है जो भक्ति मार्ग में रखा जाता है? भक्ति मार्ग में जो चित्र रखा जाता है वो तो पूरा कार्टून है, उस कार्टून का गूढ़ रहस्य है, वो एडवांस में समझाना पड़े तब किसी को समझ में आएगा। और वहाँ बेसिक ज्ञान चल रहा था या गूढ़ ज्ञान चल रहा था? गीता में तो लिखा है, भक्ति मार्ग की गीता में भी, गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, मैं गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। तो जिस समय वो मुरली ब्रह्मा के तन से सुनाई जा रही थी, वो तीन चित्र बने थे त्रिदेव के, उस समय उसको समझाया जा सकता था? नहीं। इसलिए सीधा साधा चित्र रख दिया कि भाई बिंदु समझने वाला चित्र है, नंगा हाथ पांव नाक कान नहीं है, ऐसी स्टेज दिखाई गई है। ब्रह्मा को हाथ पांव नाक कान याद है, वो देहाभिमान की स्टेज में है, उनके मुकाबले शंकर नंगा रखा गया है, निराकारी स्टेज वाला है, तो कुछ गलत तो नहीं रखा। अच्छा, अब आपकी समझ में आ गया? धार्मिक ग्रंथों में शिव जी का हजार नाम बताया गया है, शिव सहस्त्र नाम से दिखाया गया है, शंकर और शिव उसी में नाम है, शिव जी का हजार नाम में, पर इस ज्ञान में फिर जब विष्णु का चित्र बनता है तो दोनों के संस्कार मिल करके विष्णु में एक दिखाए जाते हैं कि अलग अलग? बस शिव के भी हजार नाम है, विष्णु के भी सहस्त्र नाम है, ब्रह्मा की भी हजार भुजा है, तो वही तो आत्माएं हैं, अलग आत्माएं तो नहीं है। और चलो